कभी नेपाल से प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हमको अभी सूचना मिली है। अब होली से अब तक कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती, यानी पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। एक बार मुजफ्फरपुर में शराब में गाड़ी से बच्चों को एक्सीडेंट में मार दिया गया था, एक बैठा बीजेपी के जो थे उनकी भी ऐसी की गई, भगा दिया गया। और इस नरसंहार मामले में जब हमारी परिवार के लोगों से बात हुई, पीड़ित परिवार के लोगों से, तो उनका कहना यह है कि जो डीएसपी है जिसके ऊपर अभी जांच करने की जिम्मेवारी है, जो प्रवीण झा रावण सेना संगठन जो चलाने का काम करता है उससे काफी अच्छे ताल्लुकात है। कल हमने फोटो भी जो है वहां जो लोग मीडिया के लोग गए थे, हमने वहां के अधिकारियों के साथ प्रवीण का फोटो भी हमने जारी किया। अब परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसको जो है नेपाल छोड़ा गया। अभी हमको तुरंत सूचना मिली कि अभी नेपाल से प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया। आप बताइए, उनकी हत्या की गई जो देश की सेवा करके आए, एक बीएसएफ अधिकारी की मार दिया गया, एक आर्मी से बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड उनके परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया, एक बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस पे शक है परिवार के लोगों का, जो संरक्षण दे रहा है अपराधियों का, जो पुलिस अधिकारी, उसी को जो है जांच का जिम्मा नीतीश कुमार जी ने दिया है। अब जो खुद कल्प्रिट है वो कहां से फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कहां से उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष के लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे 75 एमएलए हैं, उनके 40 है जो कह रहे हैं कि भाई पब्लिसिटी करना। आप जो है बिहार पटना से एक जिला से बाहर आप निकलते नहीं है, आप पीड़ितों के आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, आप उनको दिलासा नहीं दिला सकते, भरोसा नहीं दिला सकते न्याय का, तो क्या विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठेगा? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए? दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो क्यों नहीं गए? इतनी बड़ी घटना हो गई, अरे आपको नहीं ताजुब लग रहा कि हम कल गए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले जो है गिरफ्तारी हो जाती है? और होली से अब तक क्या हो गया? 3 किलोमीटर उस समय पुलिस नहीं आई होली वाले दिन।